आई जेवियन डॉक्टर ब्रजराज सिंह चौहान एसोसिएट प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ वोमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर प्रोग्राम बी कॉम ऑनर्स फोर्थ सेम कोर्स क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड सेशन ऑफ टुडे इज द बाइज थ्योरम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थॉमस बाइज इज ए मैथमेटिशियन। ही फॉर्मुलेट द डिटरमाइनिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द लाइकलीहुड ऑफ एन आउटकम अकरिंग बेस्ड ऑन प्रीवियस आउटकम अकरिंग। बेज थ्योरम प्रोवाइड्स ए वे टू रिवाइज एग्जिस्टिंग प्रिडिक्शंस और थ्योरीज गिवन न्यू और एडिशनल एविडेंस। इन फिनेंस बेज थ्योरम कैन बी यूज टू रेट द रिस्क ऑफ लीडिंग मनी टू पोटेंशियल बोरोवर। बेज थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड बाइज रूल और बाइज ला एंड इज द फाउंडेशन ऑफ द फील्ड ऑफ बाइजियन स्टेटिस्टिक्स। बाइज थ्योरम अलाउ यू टू अपडेट प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बाई इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। बाइज थ्योरम वॉज नेम्ड आफ्टर 18th सेंचुरी मैथमेटिशियन थॉमस बाइज। इट इज ऑफन एम्प्लॉयड इन फिनेंस इन अपडेटिंग रिस्क इवेल्युएशन। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाइज थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ बाइज थ्योरम आर वाइड स्प्रेड एंड नॉट लिमिटेड इन द फिनेंशियल रियाम। एज एन एग्जाम्पल बाइज थ्योरम कैन बी यूज टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ मेडिकल टेस्ट रिजल्ट बाई टेकिंग इन टू कंसिडरेशन हाउ लाइक एनी गिवन पर्सन इज टू हैव द डिसीज। सो बाइज थ्योरम गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन दैट इज और मे बी रिलेटेड टू दैट इवेंट। The formula can also be used to see how the probability of an event occurring is affected by the hypothetical new information. Supposing the new information will turn out to be true. For instance, say a single card is drawn from the complete deck of 52 cards. The probability that a card is king is 4 divided by 52. Which equals 1 upon 13 or approximately 7.69%. Remember that there are 4 kings in the deck. Now suppose it is revealed that the selected card is a face card. The probability the selecting card is king, given it is a face card, is 4 divided by 12 or approximately 33.3%. as there are 12 face card in the deck. Formula for Bayes theorem is P A then B. B occurred already. P probability of A then B occurred already. B पहले से घटित हो चुकी है तब हम A की probability find करेंगे। That will be the PA intersection B upon PB, and PA intersection B will be PA into PB whenever A occurred already upon PB. So PA is equal to probability of occurring A, PB probability of occurring B, PA by B the probability of A given B. B already occurred. Probability B upon A, that means probability of B when A occurred already. So P A intersection B, the probability of both A and B occurring simultaneously. So this is the formula of Bayes theorem. Any problem?
I hope you all are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it very soon. Thank you very much.